मैं मोहित मथुरा से। हम अभी श्रीखंड महादेव जी की यात्रा कर रहे हैं अपनी चार टीम, चार बंदों के साथ में। तो अभी हमें साथ में मिले हैं एक कश्मीर के भाई, और इनसे जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा बाबा के दर्शन का। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई के जो जूते हैं ना, वो जाँव विलेज में फट गए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पूरी चढ़ाई की है और पूरी उतराई की है। तो अभी मैं इनसे इनका एक्सपीरियंस जानूंगा। सर, आपका नाम? शुहल। मेरा नाम शुहल है। और आप? मैं कश्मीर से हूँ। ये कश्मीर से है। तो आपका ये फर्स्ट ट्रैक है, मतलब ये फर्स्ट ट्रैक्स तो मैंने करे हैं, बट श्रीखंड महादेव का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब जब कैलाश के पास पहुंचने लगा था, कम से कम 10,000 बार सोचा मैंने कि मैं नहीं जा पाऊंगा। जी, मैंने सोचा, लेकिन पैर नहीं रुके, पैर अपने आप चलते गए, दर्शन अपने आप हो गए। और मेरी, अगर आप करने जा रहे हैं दर्शन, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप जब भीम द्वारी पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में, रेस्ट कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए। रात को एग्जैक्ट 12 बजे चढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आपको शोर शराबा अपने आप सुनाई देगा, वक्त स्टार्ट हो जाएंगे चलना। आप 12 बजे स्टार्ट करेंगे तो आप वापस 2-3 बजे पहुँचेंगे। जितना आप लेट करेंगे उतना लेट होता जाएगा। और 7 बजे, हाँ, और 7 बजे के बाद सुबह पार्वती बाग से आगे नहीं जाने देंगे। सुबह 7 बजे से, 7 बजे के बाद, 7 बजे से पहले पहले आपको पार्वती बाग 5 बजे पहुंचना पड़ेगा, ताकि आप नैन सरोवर से 7 बजे तक पहुंचे। और फिर नैन सरोवर में पार्वती माता के आंसुओं से बना हुआ सरोवर जो है, वहां पे पानी पीजिए, पानी भरिए। हाँ, अपना जितना लगेज है सारा कम कर लेना। जी, वो तो हम सिर्फ पानी की बॉटल और रेनकोट लेके चलना, और कुछ नहीं। और जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स होंगे वही बस। जी, जैकेट्स की जरूरत पड़ सकती है? हाँ, जैकेट की तो पड़ेगी। जैकेट तो आप पहन के जाओगे ना, जैकेट तो पहन के जाओगे। हाँ, रेनकोट बैग में रख लेना ना, अगर बारिश आएगी तो। वैसे बारिश तो रात में हुई, दिन में कुछ नहीं हुआ, दिन में अच्छा था मौसम। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो आने वाले भक्त है, जो अगले साल परिक्रमा करे, जो अगले साल यहाँ यात्रा पे आएंगे, या जो इसी साल आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने साथ अपने गियर्स लेके चलो। YouTube वीडियोस में मैं देखो, मतलब मैं किसी को डिसवो नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट जो व्लॉगर्स ने, मैं भी YouTube की वीडियोस देख के ही आया हूँ, लेकिन असली ट्रैक नहीं दिखाया जाता। सही बात है, असली ट्रैक आपको वीडियोस में नहीं दिखेगा। आप अगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि आपको 6 दिन यहाँ देने हैं। जो मैं, मतलब जो लोग नहीं जाते हैं ट्रैक पे, उनके लिए ऐसे 5 दिन का ट्रैक है ये। लेकिन आप अपना मेंटल माइंड, सिर्फ आपका माइंड है यहाँ पे, बॉडी कुछ नहीं है, जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका माइंड सेट है तो आप ये ट्रैक कर लोगे। जी, बाकी तो बाकी प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो चलो चलो, महादेव। चलिए, ये भाई हमारे साथ चल रहे थे। अच्छा, ये भी आए भाई साहब। आपको कितने दिन हो गए मतलब यात्रा में? साथी हैं। अरे, साथी हम दोनों। आप मतलब कितने दिन में की आपने यात्रा? 5 दिन में नीचे होंगे, टोटल बता रहे हैं। कल 5वां जाओ पहुंचेंगे। अच्छा, हाँ, तो 5 दिन तो लगते ही हैं। तो आपको किसने मोटिवेट किया कि श्रीखंड महादेव जी की? मैं तो 2014 से सोच रहा था, लेकिन अब मौका मिला है। चलिए, बाबा ने आपको आखिरकार बुला लिया। बिल्कुल, पूरे 10 साल बाद। बिल्कुल, चलिए। हर हर महादेव। हमसे बात करने, धन्यवाद आपका। जय शंभू। बहुत अच्छा लगा जी आपसे। थैंक यू।